champions. डॉग शो का क्रेज, आपने अक्सर डॉग्स को सड़कों या गलियों में टहलते हुए देखा होगा। अगर यही डॉग्स रैंप पर वॉक करते दिखें, तो नजारा कुछ और ही होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत 24 और फर्स्ट इंडिया प्रेजेंट जयपुर डॉग शो की। दो दिवसीय 25वें डॉग शो का आयोजन पिंक सिटी के आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान में। दो दिवसीय 25वें डॉग शो का आयोजन पिंक सिटी के आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान में हुआ, जिसमें देश भर के 500 से ज्यादा डॉग्स आकर्षण का केंद्र बने। भारत 24 के एडिटर इन चीफ और जयपुर डॉग शो के आयोजक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वीकेंड के मौके पर अपने चहेते डॉग ब्रीड्स को चैंपियन बनाने के लिए दशहरा ग्राउंड पर पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। भारत 24 के संयोजन से आयोजित 25वें जयपुर डॉग शो के सिल्वर जुबली संस्करण में कई खास एक्टिविटीज। डॉग शो के पहले दिन देश के अलग अलग हिस्सों से आए करीब 500 से ज्यादा ब्रीड के डॉग्स ने चैंपियन बनने के लिए जमकर जोर आजमाइश की। राजस्थान में राजधानी जयपुर में ऐसा पहली बार हुआ जब 6 इंटरनेशनल जज डॉग शो का हिस्सा बने। इस दौरान डॉग्स के मेकअप और ग्रूमिंग का भी आयोजन किया गया। डॉग्स के मेकअप ग्रूमिंग के लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। दूसरे दिन यानी कि रविवार को सभी ब्रीड के डॉग्स के लिए फ्री एंट्री रखी गई। पहले दिन लॉन्च रिंग्स में अलग अलग चैंपियनशिप में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात सहित कई राज्यों से आए डॉग्स ने भाग लिया। कंपटीशन में जजेस ने डॉग्स के चलने, जंप करने, हाइट और स्ट्रक्चर को देखते हुए स्कोर दिया। शो में साइबेरियन हस्की, अफगान हाउंड, फ्रेंच बुलडॉग, अलास्कन मैलिम्यूट, शिज़ू जैसी कई अनोखी ब्रीड शामिल हुई। वहीं शो में डॉग्स और उनके ओनर्स से जुड़ी हुई कई कहानियां भी देखने को मिली। डॉग शो में चिली से रेमन पोडेस्टा, रोमानिया से लोकोडी साबा जोंट, एस्टोनिया से मार्को लेप्सा, ऑस्ट्रेलिया से पीटर जैक्स्ट्रा और सर्बिया से दूसान त्राबनीकर ने जजिंग की। इंग्लैंड में होने वाले डॉग शो की तर्ज पर जयपुर डॉग शो में ओबेडियंस चैंपियनशिप भी हुई, जिसमें ओनर्स ने अपने डॉग्स को दी शानदार ट्रेनिंग का प्रदर्शन किया। भारत के पहले ओबेडियंस जज मंजुनाथ एमआर ने परखा कि डॉग्स अपने ओनर का कितना और किस तरह से ऑर्डर मानते हैं। भारत 24 और फर्स्ट इंडिया प्रेजेंट्स जयपुर डॉग शो के दूसरे दिन अलग अलग ब्रीड के डॉग्स ने अपने ओनर्स के साथ चैंपियन बनने के लिए खूब जोर लगाया। शो के दूसरे दिन अलग अलग राज्यों से लोग डॉग्स को लेकर पहुंचे। इस शो में कई डॉग ब्रीड्स मौजूद रहे। रविवार को सैकड़ों डॉग और उनके ओनर्स जबरदस्त मस्ती के गवाह बने।
दिनभर लगातार बारिश होने के बावजूद डॉग्स का चैंपियन बनने का जज्बा कम नहीं हुआ। देखो एक और डॉग हमारे बीच में आ चुका है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। कहिए, मैं देख रही थी, बहुत देर से फोटोज भी खिंचवाई जा रही थी। सर, क्या नाम है, कौन सी ब्रीड है? मेरा नाम सुखविंदर सिंह, मैं बठिंडा से आया हूँ। ये तिब्बतन मस्टिफ ब्रीड है। अच्छा सर, कितना एक्साइटेड है आज के डॉग शो के लिए? काफी एक्साइटेड है, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं, 600 किलोमीटर यहाँ से पड़ा हमको। हाँ जी सर, कितना ट्रेन किया है आपने इसको, और क्या लग रहा है कि आज जो कंपटीशन हो रहा है, क्या आपका डॉग बाजी मार पाएगा? हाँ जी, इसकी ब्रीड होगी और उसमें ये सेकंड आया है, और फर्स्ट इसका फादर आया है। दोनों एक ही मन के कैनल के डॉग है ये, और उसके बाद बेस्ट शो होने वाला, उसमें देखते हैं कैसा लगता है जी। बाकी जज की पसंद होती है जो किस डॉग को लगवाते हैं, वो फर्स्ट थर्ड। अच्छा सर, कब से आप इसको ट्रेन कर रहे हैं? अच्छा, खान पान में जरा जानना चाहूंगी कि कुछ स्पेशल होता है? हाँ जी, क्या आपने ब्लड लाइन के बारे पूछ रहे हैं? खाने पीने के बारे? हाँ, खाना इनका जी, एक तो डॉग फूड देते हैं जी, NND फीड है वो देते हैं, बाकी दही और चिकन चावल जी। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज का वो दिन है, डिसाइड हो जाएगा कि कौन होगा विनर, और जो ट्रेनिंग इतने समय से करवाई जा रही है इतने क्यूट से डॉग को, वो कितनी काम आती है? नहीं, काम तो ट्रेनिंग तो जी काफ़ी करानी पड़ती है, क्योंकि हम प्रोफेशनली डॉग का काम करते हैं। हमारे पास इसी ब्रीड के डॉग हैं, तिब्बतन मस्टिफ, और ट्रेनिंग तो मान के चलो सारा दिन ही जाता है हमारा। क्या नाम है डॉग का? डॉग का नाम इसवीरा है। सर, आज ये कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाला है? या, तो फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई? चेन्नई से आया। अच्छा, तो कितनी ट्रेनिंग दी है? ये BOB मिला आज, और ग्रुप मिला इसको। अच्छा, तो अभी जो कंपटीशन होने वाला है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? ये तमिलनाडु का देसी ब्रीड है। हाँ? राजापालयम बोलता है। ये कंपटीशन में बहुत दूर से आया, तो इधर इंडियन ब्रीड को बहुत रिकग्नाइज करता है, इसलिए आया। अच्छा सर, चेन्नई से राजस्थान आना, यानी कि एक्साइटमेंट तो आप में बहुत ज्यादा लग रहा है। डॉग लवर अच्छे खासे हैं? गाड़ी पे आया हम लोग, चार कुत्ता लेके आया, पूरा इंडियन ब्रीड से सर। अच्छा, चार कुत्ते लेके आए। सबसे पहले आपका नाम बताइए, और उसके बाद में इस क्यूट से डॉग का नाम भी प्लीज। मेरा नाम विनी दैया है, और इसका नाम जू है। तो आज कॉम्पिटिशन में नजर आने वाला है जू? नहीं, एक्चुअली ये ट्रेवलिंग के कारण थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया है, तो इसको कॉम्पिटिशन में नहीं ले जा रहे हैं, बट हाँ, इसको लोगों से इंट्रैक्शन के लिए रखा हुआ है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए इस ब्रीड को लेके। क्योंकि सर, हर साल इस तरह के कंपटीशन का आयोजन करवाया जाता है, तो हम समझे कि इस साल पूरा समझ के जू अगली साल में जरूर नजर आएगा। जू लास्ट ईयर जो शो हुआ था यहाँ पे, उसमें ये चैंपियन लगा था, और उसमें इसने विन किया था, बट क्लाइमेट एकदम से हमारे यहाँ का और यहाँ का बहुत टेम्परेचर डिफरेंस है, इस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर करके डॉग एग्जॉस्ट हो गया है। यानी कि देखिए, चैंपियन डॉग इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, जरा आप देख सकते हैं। सर, जरा इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट हमारे दर्शकों में भी होता है, व्यूअर्स में भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तिब्बतन मैस्टिफ है इसकी ब्रीड, और ये अभी 24 मंथ्स का हो गया है, और क्या कहते हैं कि ये बहुत बहुत अमेजिंग ब्रीड है। जिनको गार्डिंग डॉग का शौक होता है, साथ में एक फैमिली कंपेनियन भी हो, तो ये बहुत सूट करती है उस पॉइंट पे ये ब्रीड, क्योंकि तिब्बतन मैस्टिफ में बहुत अच्छा एक लविंग नेचर भी है, जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल है, बहुत ओबीडियंट है, और गार्डिंग में इतने परफेक्ट हैं कि अभी आप यहाँ से मिलो, अगर आप मेरे घर पे आएंगे और मैं आपको अलाउ नहीं करता हूँ, तो ये आपको घर में नहीं घुसने देंगे। टेन ब्रीड्स के दो डॉग भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, जरा आप देख सकते हैं, और इनके ओनर से भी जरा जानने की कोशिश करते हैं इन दोनों डॉग्स के बारे में, कॉम्पिटिशन में नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, कितनी ट्रेनिंग दी गई, और कितना एक्साइटेड है कि आज तो हमारा डॉग ही जीतेगा? बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, कम से कम 6 महीना हो गया कंटिन्यू। सर, हर साल ये कॉम्पिटिशन होता है, पिछले साल भी आया था? यस। अगले साल भी आने वाले हैं? बिल्कुल। तो ये पिछली बार की अगर बात करें, और अब की बार में क्या आपको चेंज फील हुआ, या फिर इस बार किस मोटिव के साथ आप आए? जीतने के लिए आए, अच्छे डॉग्स आए, ग्राउंड पे अच्छे डॉग्स आए। अच्छा सर, अपनी इस ब्रीड के बारे में, डॉग के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, क्योंकि कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो डॉग लवर्स हैं, जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और इन डॉग्स को देख रहे हैं, जानना चाहते हैं इस ब्रीड के बारे में। मैम, ये जेंटल जेंट्स, जितने बड़े होते उतने काम, शांत और रॉयल। डॉग्स और डॉग्स की ब्रीड अभी खत्म नहीं हुई है, कई वैरायटीज हम आपको दिखाने वाले हैं, और कई सारे डॉग्स से भी आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, क्योंकि दो डॉग्स आप देख सकते हैं कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार है, और मेरे साथ में इनके ओनर भी मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करेंगे। सर, ब्रीड और नाम के बारे में जानकारी आपसे चाहिए। मैम, मेरा नाम सनी है, और ये मेरी वाली ब्रीड है, ये रॉटविलर ब्रीड है। आज ये कॉम्पिटिशन में दिखने वाले हैं? कॉम्पिटिशन में हम ले जाते नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं ये, तो इसका हम इनको यहाँ पे रखे हुए हैं अभी। सर, आपका नाम क्या है, डॉग का नाम क्या है, जरा जानकारी दीजिए। मैम, मेरा नाम उत्कर्ष है, और ये इसका नाम रॉबिन है, ये फ्रेंच मैस्टिफ है।
अच्छा सर, रॉबिन आज कंपटीशन में जाएगा, कितना एक्साइटेड है रॉबिन? रॉबिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एग्रेसिव भी है थोड़ा कंपटीशन को लेके। क्या लग रहा है कि जीत हो पाएगी रॉबिन की आज? हाँ मैम, मैं तो पूरा श्योर हूँ उसके लिए। कितना ट्रेनिंग दिया आपने रॉबिन को? मैम मैंने अच्छी ट्रेनिंग देता हूँ, अभी ये अराउंड 2.5 साल का है तो अराउंड 7-8 महीने से ट्रेनिंग दी है। जयपुर डॉग शो के दूसरे दिन अलग अलग ब्रीड के डॉग्स ने अपने ओनर्स के साथ चैंपियन बनने के लिए खूब जोर लगाया। शो के दूसरे दिन अलग अलग राज्यों से लोग डॉग्स को लेकर पहुंचे। इस शो में कई डॉग ब्रीड्स मौजूद रहे। गोल्डन रिट्रीवर डॉग, जर्मन शेफर्ड डॉग, डचशुन डॉग, बीगल डॉग, बॉक्सर डॉग, तिब्बती मास्टिफ डॉग, लैब्राडोर डॉग, पग डॉग शामिल थे। इस दौरान डॉग्स और डॉग्स ओनर्स के लिए कई सारी एक्टिविटीज का भी आयोजन करवाया गया। शो में डॉग्स ने माँ का लाला, पगला बच्चा, बहादुर बच्चा जैसे कई तरह के अनूठे टाइटल जीते। कार्यक्रम में भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ और जयपुर डॉग शो के आयोजक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की। 25वें जयपुर डॉग शो के समापन पे आप सबको वीरेंद्र भाई बधाई। भारत 24 ने आपके सहयोग के साथ यह प्रयास किया जो काफ़ी सफल रहा, हालांकि बरसात ने थोड़ा मौसम बिगाड़ा इसका, लेकिन कुल मिला के देश और विदेश के जो डॉगीज यहाँ पे आए वो जयपुर वालों ने पहली बार उन्हें देखा और मुझे ऐसा लगा कि आप वर्ल्ड क्लास जो है डॉग शो करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं और अगली बार जो हम डॉग शो करेंगे तो इसका और विस्तार करेंगे, संसार के कई और देशों से भी डॉग्स को लाएंगे यहाँ पे और इसे वन ऑफ द बेस्ट डॉग शो अक्रॉस द ग्लोब बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ भारत 24 की लोगों में इतना एंथुजियाज्म और क्रेज़ है कि एक दिन से उनका पेट नहीं भरता था, डॉग्स का भी नहीं और डॉग ओनर्स का और पेरेंट्स का भी नहीं, तो हम लोगों ने बिकॉज ऑफ भारत 24 इस इवेंट को पॉसिबल हुआ कि ये दो दिन हो पाए और फर्स्ट इंडिया ने कोऑपरेट किया, इसको इतना फैलाया, इस इन्फॉर्मेशन को, इस जानकारी को अपने चैनल के माध्यम से, तो पूरा जयपुर यहाँ पर आज बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ है शहर में वो छोड़ करके यहाँ मौजूद है और मोहब्बत के इस उत्सव को, इस प्यार के इस फेस्टिवल को यहाँ पर अपने डॉग के साथ में इंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा 25th इवेंट है भारत 24 और फर्स्ट इंडिया ने जिसे प्रेजेंट किया है और इस इवेंट में पूरे इंडिया से बहुत सारे डॉग आए हैं। हर बार की तरह सबसे मेजर जो हमारा एक अट्रैक्शन है कि यहाँ पर फ्री डॉग अडॉप्शन हो रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम लोग अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 128 पपीज़ का है तोड़ेंगे और इतने सारे बच्चों को घर देंगे, उनकी ज़िंदगी को और बेहतर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो एंट्रीज़ है वो नेशनल एंट्रीज़ आई है हमारे पास, इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक से डॉग्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार फर्स्ट टाइम 6 इंटरनेशनल जजेस 5-रिंग चैंपियनशिप को यहाँ पर जज कर रहे हैं, वो जज भी अपने आप में सेलिब्रिटी जजेस हैं और ऐसे ऐसे जजेस हैं जिन्होंने शायद 100 कंट्रीज़ में ऑलरेडी जजिंग कर चुके हैं, इंडिया में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो एक्सपीरियंस भी कमाल है और ये इतना बड़ा इवेंट सिर्फ पॉसिबल हुआ है क्योंकि भारत 24 और फर्स्ट इंडिया ने जी जान से इसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। कार्यक्रम में जहां पर एक तरफ अलग अलग डॉग ब्रीड्स ने अपना
अब आपको एक एक कर इस डॉग शो में शामिल हुई ब्रीड के बारे में बताते हैं। जैक रसेल टेरियर, ब्रिटेन के डॉग्स के टेरियर समूह से आते हैं जैक रसेल टेरियर। बेहद सक्रिय और फुर्तीली नस्ल, हॉलीवुड फिल्म द मास्क से भी लोकप्रिय हुई ब्रीड। फॉक्स टेरियर, ब्रिटिश मूल के टेरियर समूह की नस्ल, काफी एक्टिव होती है ये ब्रीड। गोल्डन रिट्रीवर, स्कॉटलैंड का है गोल्डन रिट्रीवर, दुनिया का सबसे लोकप्रिय डॉग, बेहद खुश नस्ल, बेहद प्यारा और सबसे पसंदीदा डॉग। अक्षय कुमार की बॉलीवुड फिल्म एंटरटेनमेंट में दिखी थी ब्रीड। बीगल, एक बहुत लोकप्रिय यूरोपीय नस्ल, सूंघने की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है ब्रीड, आमतौर पर दुनिया भर के पुलिस बलों में होता है इस्तेमाल। तिब्बती मैस्टिफ, तिब्बत का बड़े आकार वाला डॉग, सबसे लोकप्रिय एशियाई नस्लों में से एक, सुरक्षा क्षमता के लिए जाना जाता है डॉग, 150 किलोग्राम तक होता है वजन। शाही चीनी रानी की रक्षा भी करते थे। ग्रेट डेन, जर्मनी से आते हैं ग्रेट डेन ब्रीड, आकार में विशाल लेकिन बच्चे जैसा भाव, 140 किलोग्राम तक हो सकता है वजन, बेहद शांत और सौम्य स्वभाव वाला ये डॉग काफी पॉपुलर है। फ्रेंच मैस्टिफ, एक फ्रेंच गार्ड डॉग है जो अपने मालिक की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने से भी नहीं हिचकता, इस डॉग का वजन 1.5 क्विंटल तक हो सकता है। रॉटविलर, रॉटविलर ब्रीड जर्मनी से है, बहुत ही ज्यादा वफादार है ब्रीड। रॉटविलर को लेकर बहुत गलत धारणाएं, सुरक्षा के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल। पूडल, फ्रांस की है ब्रीड, महिलाएं पूडल को हमेशा अपने साथ रखती हैं। ब्रीड की ग्रूमिंग मुश्किल है, भारत में भी फेमस है पूडल, यूरोप में ये ब्रीड काफी डिमांड में रहती है। जर्मन शेफर्ड, डॉग शो का विजेता रहा जर्मन शेफर्ड, भारत में बहुत ज्यादा दुर्लभ है जर्मन शेफर्ड, जर्मनी से है जर्मन शेफर्ड, 100 साल से पुराना इतिहास, द्वितीय विश्व युद्ध में 45,000 से ज्यादा जर्मन शेफर्ड ने लड़ाई लड़ी। टॉय पोमेरियन, जर्मनी से है टॉय पोमेरियन, 800 से अधिक हैं दुनिया भर में वेरिफाइड डॉग्स, दुनिया में काफी प्रसिद्ध है टॉय पोमेरियन, काफी छोटी होती है ब्रीड, अग्रेसिव भी हो सकती है ब्रीड। अकिता, जापान से है अकिता ब्रीड, वफादारी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, हाचिको मूवी में है अकिता ब्रीड का डॉग। डॉबरमैन, काफी लॉयल होती है ये ब्रीड, मालिक के दुश्मन की जान तक ले सकती है, भारत में हर दूसरे घर में मिलती है ये ब्रीड। राजपलायम, राजपलायम नस्ल का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, भारतीय सेना में भी शामिल है राजपलायम, 26 जनवरी को होने वाली परेड में लेता है हिस्सा। स्टेफर्ड शायर बुल टेरियर, काफी ताकतवर है ये ब्रीड, उचित प्रशिक्षण जरूरी, घर की बजाय खुली जगह में रखना सेफ। शित्सु, शित्सु नस्ल चीन से है, पूरी दुनिया में है प्रसिद्ध, छोटे साइज का ये प्यारा डॉग बहुत क्यूट होता है। साइबेरियन हस्की, भारत का 5वां सबसे लोकप्रिय डॉग, भेड़िया जैसा दिखता है डॉग, अपनी दमदार आंखें और मनमोहक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध है। मेरे पीछे में कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने डॉग्स को मैदान में उतारने के लिए लेकर आए हैं और देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का इनका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। कौन सा डॉग है आपका? तीनों हमारी है। तो क्या लग रहा है कि जीत हासिल कर पाएंगे ये? कॉम्पिटिशन वैसे तो पार्ट दिलवाया नहीं है लेकिन करेंगे तो जीत ही जाएंगे। कितना एक्साइटमेंट है आप में? बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स। अच्छा, डॉग्स में मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है अभी तक, मैं जितना समझ पा रही हूं। हां ऑफ कोर्स, इनको इतने सारे दोस्त मिल रहे हैं इनके। कौन सा आपका डॉग, जरा ब्रीड का नाम भी बताइएगा और इसका छोटू का भी नाम बताइएगा। बीगल है और इसका नाम जेली है, फीमेल है। तो आप इसको कंपटीशन के लिए लेके आए अभी? नहीं, ऐसे नॉर्मली, क्योंकि अभी ये ट्रेंड नहीं है इतनी ज्यादा, तो ये अभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मैम कितना एक्साइटमेंट है आज के प्रोग्राम को लेकर? बहुत ज्यादा, डॉग्स को देख के मैम बहुत ही मन खुश हुआ। सर बहुत सारे ब्रीड्स के डॉग हैं यहाँ पर, डॉग लवर हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, डॉग बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं मेरे हिसाब से, और भी बेस्ट क्वालिटी है, बहुत बहुत बेस्ट क्वालिटी है। जरा इन डॉग्स को देखिए कि ये डॉग्स हैं जो कि कंपटीशन में उतरने वाले हैं, और इनके साथ में सर क्या नाम है आपका? परमिंदर सिंह है जी नाम। सर ये डॉग्स अभी कंपटीशन में दिखने वाले हैं? जी मैम, एक बार तीन बार तो रिप्रेजेंट हो चुका है जी, इंडियन ब्रीड है और इंडियन ब्रीड के ग्रुप में ये तीन बार बीट कर चुका है जी, और तीन ट्रॉफियां हैं और आगे भी एक रैगिंग उसमें भी बीट करेगा जी। सर एक बार सर इनके ब्रीड का नाम बता दीजिए और इनके नाम आपने क्या रखे वो भी बताइए। हिमालयन शीप डॉग है जी, इंडियन ब्रीड है, गार्ड डॉग ब्रीड है, मतलब गार्ड के लिए यूज की जाती है, और इंडिया की बेस्ट ब्रीड है, मतलब इंडिया की इसकी जनरेशन इंडिया की है, इसलिए क्लाइमेट में बहुत अच्छे, यानी कि राजस्थान वर्गे गर्म और ठंडे एरिया में हर जगह अच्छे से रहती है। क्या नाम है डॉग का? राहुल, मेरा नाम राहुल है, इसका नाम लूसी है। अच्छा सर, कंपटीशन में नजर आने वाला है लूसी? नहीं अभी सोचा नहीं है, देखते हैं, लेट्स सी।
अजय सर कितना एक्साइटेड है क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, लगातार शो जारी है। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि अडॉप्शन के लिए भी यहाँ पर है और कई सारे आपका डॉग भी काफ़ी चीज़ें सीख सकता है यहाँ पर। ये बात तो है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है और वाकई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि ये डॉग जो है ना बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं, आपकी बात मानते हैं और आप कह सकते हैं फेथफुल है। तो ऐसे के लिए एक ट्रेनिंग सेशन यहाँ जो होता है बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट, कोई शब्द नहीं है इसके लिए। सर हर साल ये इस तरह से शो का आयोजन होता है, कितना एक्साइटेड है आप? मैं आज पहली बार आया हूँ पर बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम से इसको कॉम्पिटिशन में उतारेंगे। अच्छा आपका शिड्जू सर नजर आने वाला है आज कॉम्पिटिशन में? हाँ आप जरूर आएगा। अच्छा तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपने कुछ अलग से दी है अभी तक? नहीं अभी तक तो नहीं, पर आज हमारा फर्स्ट टाइम है, अब नेक्स्ट टाइम वी विल कम इन कंपटीशन, तो जरूर आज हमने आया देखा, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है। शो में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में डॉग्स ने रंग बिरंगी ड्रेसेस भी पहनी। दूसरे दिन फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमे डॉग, उनके ओनर्स और मॉडल्स ने रैंप वॉक किया। इस दौरान शो को लेकर लोगों की दीवानगी भी देखने को मिली। लगातार बारिश के बावजूद वहां पर मौजूद लोगों और डॉग ओनर्स का जुनून कम नहीं हुआ। बारिश में भी सभी इंटरनेशनल जजेस ने चैंपियनशिप जारी रखी और डॉग और उनके ओनर्स ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शो में डॉग पालो तो सिर्फ विदेशी ब्रीड का, ये भ्रांति तोड़ते हुए जयपुर आइट्स ने बेघर इंडी पपीज को गोद लेने की मुहिम में गजब का उत्साह दिखाया। एक और डॉग आपको यहाँ पर नजर आएगा, कौन सी ब्रीड का डॉग और क्या नाम है इसका? ये इंडियन ब्रीड है। तो यहाँ पे आपने अडॉप्शन से? जी बिल्कुल, अभी अडॉप्ट किया। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर आप कंपटीशन के लिए तो अपने डॉग्स को ला ही सकते हैं, ट्रेन तो आप कर ही सकते हैं, डॉग लवर आप हैं तो आप इस तरह से छोटे छोटे डॉग्स को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। एक्साइटमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। सर डॉग शो के लिए आए पर, कैसा लग रहा है डॉग शो अब तक? जयपुर डॉग शो में लगे अडॉप्शन कैंप के दोनों दिनों में 115 से ज्यादा पपीज को गोद लेकर उन्हें बेहतर जिंदगी देने की मुहिम में भाग लिया। आखिर में डॉग शो के आयोजक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने डॉग्स लवर के लिए एक बड़ी घोषणा की और कहा कि भारत 24 चैनल जल्द ही एक इंटरनेशनल शो आयोजित करेगा जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशी ब्रीड के डॉग्स हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।